साथियों नमस्कार। कल 26 जनवरी है और जनपद अमेठी में किसान गणतंत्र परेड करेंगे। 26 नवंबर 2020 से नए 3 कृषि कानूनों के विरोध में जय किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में मंडी स्थल जायस पर अनवरत धरना कर रहा है। आज धरने का 60वां दिन है। कल 26 जनवरी को मंडी स्थल जायस से किसान गणतंत्र परेड लेकर जिला मुख्यालय गौरीगंज को प्रस्थान करेंगे। कल सुबह 10 बजे से आप सभी जनपद में जहां कहीं भी हैं अपने ट्रैक्टर लेकर उस पर तिरंगा बांधकर इन नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में आप अपना ट्रैक्टर लेकर जिला मुख्यालय को आएं। सभी किसान भाइयों से आग्रह है, हम अमेठी के किसान और किसान संगठन भारत के संयुक्त किसान मोर्चा के इस आह्वान का समर्थन करते हैं और हमारा ये आंदोलन इन 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने तक और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी तक अनवरत जारी है और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है गणतंत्र दिवस और हम इस गणतंत्र पर्व को धूमधाम से मनाएंगे। कल किसान सारे भारत में इस किसान परेड में शामिल होंगे। अमेठी के सभी सम्मानित नागरिकों बुद्धिजीवियों और किसानों से आग्रह है कि आप जहां कहीं भी हैं इस किसान गणतंत्र परेड में शामिल हों और गणतंत्र में तंत्र के महत्व को तंत्र की जिम्मेदारी को तिरंगा उठा के पूरा करें। जय किसान आंदोलन और संयुक्त किसान मोर्चा सुबह 10 बजे नवीन मंडी स्थल जायस से झंडारोहण के बाद गणतंत्र परेड लेकर जिला मुख्यालय को कूच करेगा। आप अपने ट्रैक्टर के साथ कार के साथ मोटरसाइकिल के साथ इस गणतंत्र परेड किसान गणतंत्र परेड का हिस्सा बन सकते हैं, सम्मिलित हो सकते हैं। आप सभी से आग्रह है कि आप इस किसान गणतंत्र परेड में सम्मिलित हों और अपने गणतंत्र के राष्ट्रीय पर्व में गण की भागीदारी सुनिश्चित करें। धन्यवाद। भारत के गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश किसान सभा की तरफ से प्रदेशवासियों को
बधाई। किसान आंदोलन के समर्थन में दिल्ली सहित देश भर में किसानों द्वारा अनोखी परेड का भी आयोजन किया जा रहा है, जो किसान विरोधी तीनों कृषि कानूनों की वापसी के लिए सरकार को मजबूर करेगा।